Good evening class. In the last class of your mathematics, we were solving the exercise 2.4 and in which we solved the last question, factorize the polynomial by splitting the middle term. Okay, in which I have explained you one question. Now, let me explain you some more questions for because it is very important topic. So, from your exercise 2.4, there is a one question like you have to factorize 2x square plus 7x plus 3 by splitting the middle term. So, usually I have told you ki if there is any polynomial ax square plus bx plus c, then you have to break b into two parts alpha and beta such that alpha plus beta is equal to b and alpha into beta is equal to a into c. यानी इस दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन b के बराबर होना चाहिए यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. सो हियर आवर b इज 7, b किसके बराबर है 7 के बराबर है, a मेरा 2 है एंड c क्या है 3 है. तो यदि मैं a इनटू c करूं तो किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लू या प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, जो फैक्टराइजेशन करूं तो कैसे लिख सकता हूं 6 into 1 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6. ठीक है, ये दो ही आते हैं. सो 6 plus 1 is equal to 7 एंड 2 plus 3 is equal to 5. तो ये हम नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि 6 plus 1 मेरा 7 के बराबर आ रहा है जो कि b के बराबर है. तो इस 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 6 plus 1, जबकि 2 plus 3 तो 5 आ रहा है जो कि 7 के बराबर नहीं है. तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, 6 plus 1 को कंसीडर करूंगा. सो आई कैन राइट द अबव इक्वेशन एज टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिख सकता हूं 6 plus 1 x plus 3. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. ठीक है, तो यहां पे 2x है एंड यहां पे 6x है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा 2 और x. क्यों? 2 1 या 2, 2 3 या 6, तो यहां से 2 कॉमन एंड x कॉमन, सो 2x इज कॉमन. सो ब्रैकेट व्हाट विल रिमेन हियर x एंड यहां पे क्या बचेगा 3, क्योंकि 1x तो बाहर आ गया. उसी प्रकार यहां पे 1 बाहर नहीं लिया तो अंदर क्या बचेगा x plus 3. आई हैव टोल्ड यू कि ब्रैकेट पे जो भी लिखा जाए वो हमेशा सेम होना चाहिए. तो देखिए यहां पे भी x plus 3, यहां पे भी x plus 3, सो आई कैन टेक द x plus 3 as common एंड व्हाट इज रिमेनिंग 2x plus 1, 2x plus 1. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो इजी है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. Here a is equal to 3, b is equal to minus 1, क्योंकि हमको minus को include करना है, and c is also equal to minus 4. So यदि मैं a into c करूं, so it is 3 minus 4, so it is minus 12. ठीक है, अब minus 12 को LCM लूं तो कैसे लिख सकता हूं, minus 12 है ना, so minus 4 into 3 is equal to minus 12. माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 12. माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, माइनस 12 एंड माइनस 12 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 12. ठीक है, अब माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, इसके बराबर आ रहा है तो हमें बाकियों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. इन द केस नहीं आता तो हमको देखना पड़ता कि माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4, यहाँ b की वैल्यू माइनस 4 नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 11, सो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ दिस माइनस 1 आई कैन राइट माइनस 4 प्लस 3. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट दिस. सो अवर सॉल्यूशन विल नॉट बिगिन फ्रॉम हियर. ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है. एग्जाम में जो आप करेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, इट विल बी आई कैन राइट इट लाइक 3x स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट इट माइनस तो रह गई और यहाँ पे माइनस 4
प्लस थ्री एक्स, क्योंकि माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन आएगा एंड ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा एंड माइनस फोर. सो आई कैन राइट इट लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है, और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर. क्यों? क्योंकि थ्री को थ्री के साथ, फोर को फोर के साथ. सो यहां से थ्री एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचे रिमेनिंग इन द ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस वन. इन दोनों में से माइनस फोर कॉमन, सो रिमेनिंग अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन. क्यों? क्योंकि यदि मैं माइनस फोर को यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर प्लस जो माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड प्लस रहेगा. सो टेक केयर दैट दोनों ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, इक्वल है. सो x प्लस वन इज कॉमन, सो वॉट इज रिमेनिंग इन साइड दी अनदर ब्रैकेट, थ्री एक्स माइनस फोर. सो दिस इज योर आंसर, ठीक है. सो इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू. आई हैव एक्सप्लेन यू थ्री क्वेश्चन ऑफ दी एनसीईआरटी एंड ओनली वन इज रिमेनिंग, सो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल 15 जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां पे आपको फैक्टराइज करना है, बट द पॉलिनोमियल इज इन क्यूबिक फॉर्म नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो उस केस में आपको कैसे करना है तो वो थोड़ा हम अच्छे से पहले समझते हैं. ओके सो एग्जाम्पल 15 इज गिवन एज कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है. अब ये फैक्टराइज कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जस्ट सपोज कि ये कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, हमको क्या करना है, x की वैल्यू रख के देखनी है कि कहां पे ये पूरा का पूरा जीरो आता है, ठीक है. इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बुक में सिर्फ एक मेथड दिया है. सो यू हैव टू प्लेस दी वैल्यू ऑफ x डिफरेंट, जस्ट लाइक x की वैल्यू पहले जीरो रख के देख लिए, x की वैल्यू वन रखे, x की वैल्यू माइनस वन रखे, या x की वैल्यू टू रखे, या x की वैल्यू माइनस टू एंड सो ऑन, आपको अंटिल द वैल्यू ऑफ दी पी एक्स अराइव जीरो, ठीक है. अब मैं जीरो तो यहां रख नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर जीरो रखा तो चलिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पर माइनस 120 तो बच जाएगा, तो उस केस में मैं इसको जीरो नहीं प्लेस कर सकता हूं. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स इज इक्वल टू वन, पी वन इज इक्वल टू, अगर पी वन है तो इट मीन एक्स की जगह कंप्लीटली आपको क्या प्लेस करना है, वन लिखना है. सो वन क्यूब माइनस 23 इंटू वन स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120. सो इट इज 1 माइनस 23, 1 का क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस 142 माइनस 120. 1 माइनस 23 इज माइनस 22, 142 माइनस 20 इज प्लस 22. सो इट इज 0. इट मीन्स फॉर पी वन फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 द पॉलिनोमियल इज 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 के लिए पी एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो इस 1 को यदि मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इट मींस x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है. नाउ यहां तक तो क्लियर हो गया कि x माइनस 1 क्या है, उसका फैक्टर है. ओके सो व्हाट यू कैन डू, इन एक्सरसाइज 2.3 आई हैव टॉट यू टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. यदि आपको बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं तो आपके पास दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको डिवाइड करा दो पॉलिनोमियल पे ऐसे, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर. तो ये आपको मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ अब, ठीक है. वहां तक दोनों मेथड में वो स्टेप कॉमन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराइए, क्या करिए, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा दीजिए बाय x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, उसका
फैक्टर है, तो इसको डिवाइड कराते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि डिवाइड कैसे करना है। सो एक्स क्यूब को पहले एक्स से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज माइनस 23, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग माइनस बोथ दी साइड तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, सो टू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 22 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आ गया 142x, यहाँ पे माइनस 22x लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अब अगर माइनस 22x स्क्वायर पर x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा माइनस 22x, अब तो उससे क्या कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सो इट इज माइनस 22x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 22x, टेकिंग माइनस बोथ दी साइड, माइनस ही करवाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस गेट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 142x माइनस 22x इज इक्वल टू 120x माइनस 120। अब 120x को मैं x से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा 120, सो राइट हियर 120, सो मल्टीप्लाइंग देयर 120x माइनस 120 एंड सबट्रैक्टिंग बोथ दी साइड्स वी गेट कैंसिल, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, ये आया, ठीक है। अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन। सो एक फैक्टर तो मेरा ये है, अब दो फैक्टर मेरे यहां से आएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इससे आगे आप आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है, तो हियर ए इज 1, बी इज माइनस 22 एंड सी इज 120, तो a into c is 120, split 22 in such a way that its multiplication is 120, तो 120 को जो factorize करेंगे and उसके बाद आपको जो लिखना है 10 into 12, इसको लिख सकता हूँ minus 10 into minus 12, तो ये कितना आता है 120 आता है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि 120 का आपको देखना है कि कैसे कैसे मल्टीपल्स में फॉर्मेशन होता है, तो एक होता है माइनस 10 इंटू माइनस 12, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इंस्टेड ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस 12, माइनस 10 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 22, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट दिस, सो हाउ यू हैव टू फैक्टराइज, I can write it x square minus 10x minus 12x plus 120. So x minus 10 minus 12 x minus 10. So x minus 10 आ जाएगा and x minus 12 आ जाएगा. So इसका factorization क्या हो जाएगा? एक factor तो मेरा x minus 1 था, वो मैंने निकाला था and बाकी के ये आ गया. So answer, our answer will be x minus 1. x minus 10 and x minus 12 answer. ये first method है, अब हमें इसका second method भी study करना है। So class, what is the second method? x minus 1 तक जो हमने find out किया था वो बिल्कुल same रहेगा, वो हमको नहीं बदलना है, ठीक है, यानी x minus 1 मेरा factor है ही है, ये मेरा नहीं बदलेगा। अब मुझे इसमें x माइनस वन ढूंढना है, यानी I have to split all these four terms in such a way that x minus one appear in every. So how you have to do? X cube minus 23x square plus 142x minus 120. यानी इसको मुझे स्प्लिट करूंगा, कैसे स्प्लिट करूंगा कि 120 अपियर हो, सो आई कैन राइट 142 एज 120 प्लस 22, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 120 प्लस 22, तो ये मेरा सेकंड मेथड है, ठीक है, सो x क्यूब यहाँ पे माइनस 120 लिखे रहने दीजिएगा, 142x को क्या लिख सकता हूँ 22x प्लस 120x, आई कैन राइट इट लाइक दैट, बट माय इंक इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब 23x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ 22x आया है, मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे भी 22 आए, सो आई कैन राइट माइनस 23 एज माइनस 22 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 23 को क्या लिख सकता हूँ
माइनस 22 एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस रहेगा एंड हियर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है. सो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या आया बच्चा x माइनस वन. क्यों? एक्स स्क्वायर यहां से लिया तो सिर्फ x, एक्स स्क्वायर यहां से लिया तो वन, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा. नो, टेकिंग हियर माइनस 22 एक्स एज कॉमन. क्यों? क्योंकि यहां पे भी 22 एक्स है, यहां पे भी 22 एक्स है, सो x माइनस वन रहेगा. क्यों? माइनस प्लस माइनस 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 प्लस. सिमिलरली हियर 120 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या ब्रैकेट के इनसाइड में x माइनस वन. अब देखिए मैंने क्या कहा था, मुझे x माइनस वन लाना है. तो तीनों में x माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. ओके, अब इसको हमने अभी फैक्टराइज किया था, सो यू हैव टू फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि अभी हमने किया था, एंड दैट विल बी योर आंसर. सो क्लास क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4, फोर क्वेश्चंस आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बिकॉज़ इट टेकिंग अ लिटिल बिट लॉन्ग टाइम. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन यू कैन आस्क मी पर्सनली इन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बनना, यू कैन एक्सप्लेन मी एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन पेयर कॉपी. And don't forget to comment in the YouTube section. And if you have not subscribed till now, please subscribe the OPM School channel. Take care.